हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंसेस विच यू वुड डिसरिगार्ड इन एस्टिमेटिंग कॉस्ट, जिसको आप कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए इंक्लूड नहीं करोगे। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस 2500 है, बैड डेट्स हमारे पास 200 है, डिस्काउंट अलाउड 300 है, बैंक चार्जेस 100 है एंड डोनेशन 150 है। तो जो खर्चे प्योर फाइनेंशियल नेचर के हम उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे डोनेशन हमारा फाइनेंशियल खर्च है, डिस्काउंट अलाउड भी हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंसेज है तो हम इसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे। और बैड डेट्स भी हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेज है, हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इफ प्राइम कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर गिवन। अब देखो प्राइम कॉस्ट होता क्या है, मैंने आपको बहुत बार बताया प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर एंड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इस केस में एक चीजें आती है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास प्राइम कॉस्ट दे रखा 50,000 और हमारे पास दे रखा डायरेक्ट मटेरियल। हमें क्वेश्चन में क्या कहता है, डायरेक्ट मटेरियल निकालने के लिए जो कि मैं मान लेता हूँ एक्स है, प्लस हमारे पास डायरेक्ट लेबर कितना दे रखा है। डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन बोल रखा है 70% ऑफ प्राइम कॉस्ट, यानी 50,000 का 70%, 50,000 इंटू 70% यानी 35,000 हो गया। अच्छा अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी नहीं दे रखा है। अगर हम दो फिगर को अगर हम एक्स मान लें तो हम इसको आंसर को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसलिए हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम की कोई चीज नहीं है। जो भी हमारा प्राइम कॉस्ट है उसके दो ही कंपोनेंट है, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। उस बेसिस पे क्वेश्चन का आंसर सॉल्व किया गया है, बिकॉज आप एक ही मिसिंग फिगर को आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि डायरेक्ट मटेरियल फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेज को इग्नोर कर दिया। अगर क्वेश्चन बोलता है डायरेक्ट एक्सपेंसेज को फाइंड आउट कर दो तो हम डायरेक्ट मटेरियल को इग्नोर कर देते। ठीक है, तो इसके वजह से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 50,000 और -35,000 इक्वल टू आपका एक्स हो जाएगा। एक्स इक्वल टू फिर कितना जाएगा 15,000, यानी 15,000 आपका क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या बोलता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज 80,000। आपके पास डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट कितना है 80,000, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी है 60,000। यानी देखो डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास दे रखा है, डायरेक्ट लेबर दे रखा है, फैक्ट्री ओवर दे रखा है, यानी बल्ले बल्ले सब कुछ दे रखा है, हमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। बिगनिंग गुड्स इन प्रोसेस यानी WIP की बात करते हैं 15,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में हमें दे रखा है 2,45,000। व्हाट इज द कॉस्ट असाइंड एट द गुड्स इन प्रोसेस, यानी हमें क्लोजिंग WIP की हमें वैल्यू बतानी है, प्राइस बतानी है। तो देख सकते हो आप, हमारे पास देखो डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, हमने ऐड कर दिया डायरेक्ट लेबर ऐड कर दिया, तो हमारे पास इन दोनों को ऐड करते क्या आ गया, हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है, ये फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास आ चुका है। एंड अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग WIP दे रखा है 15,000, तो कुछ नहीं कॉस्ट शीट का बस फॉर्मेट है, ये 15,000 ओपनिंग आ गया। और हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, इसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है, ये हमें दे रखा है 2,45,000। यानी अब आपका जो बैलेंसिंग फिगर होगा, मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी बताया था जिसमें हमने बैलेंसिंग फिगर को निकाला था क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 90,000, 15,000, इन दोनों को इसने एडजस्ट, इसमें 15,000 आपने ऐड किया तो कितना बन गया आपके पास, ये 19 प्लस 15, 90,000 प्लस 15,000, ये हो गया आपका 1,05,000। और 2,45,000 आपके पास दे रखा है, इन्होंने ऐड नहीं किया है क्या, 1,40,000 प्लस 90, ओके 1,40,000 प्लस 90,000 प्लस 15,000। तो यहाँ जो हमारी वैल्यू आ रही है वो 2,45,000 आ रही है, और जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर है वो भी 2,45,000 का। यानी आप मिसिंग फिगर में क्या डाल सकते हो, कुछ भी नहीं। अगर आपने 1 रुपया भी डाला तो आपका
मैश नहीं कर पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आप 0 रुपीज ही होगा, यानी आपकी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, एज कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इज गिवन एज ₹2,45,000, सो देर विल बी नो क्लोजिंग गुड्स इन प्रोसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन 10 में क्या बोलता है, गिवन डाटा फिनिश गुड्स की हमें पास ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे हम कैसे पहुंचे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमने पहुंचने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था हमारे पास, ठीक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड किया ओपनिंग क्या फिनिश गुड्स, माइनस किया हमने क्लोजिंग फिनिश गुड्स, इसको एडजस्ट करने के बाद आप कहाँ पहुंच गए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1,90,000, और आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना दे रखा है, 50,000। देखो मैं कॉस्ट के बस फॉर्मेट का उस पार्टिकुलर पॉइंट को ही मैंने लिया है, एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट का, एंड ये आपके पास 30,000 दे रखा है। अब आपको यहाँ पे मिसिंग फिगर है, अब आपको ये मिसिंग फिगर निकालना है, तो आपके पास ये दे रखा है 1,90,000। अगर आप 1,90,000 में, क्योंकि ये 50,000 माइनस हो रखा है, तो हम इसको प्लस कर देते हैं 50,000 एंड माइनस कर देते हैं अगर हम 30,000, तो मेरे पास कितना आ गया, 2,10,000। अगर हम यहाँ पर 2,10,000 को अगर हम पुट कर दें, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,90,000 आएगा। कैसे, अब 2,10,000 में आप प्लस 30 कर लो, माइनस 50,000 कर लो, तो भी आ गया आपके पास 1,90,000। एक तरीका और भी है, एक तरीका और किस तरीके से आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप ओपनिंग और क्लोजिंग को आपस में एडजस्ट कर दिया आपने, तो आपके पास क्या है, नेट माइनस 20,000। ओके, और अब देखो देखो आपको बैकवर्ड जाना है, बैकवर्ड जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से माइनस करना पड़ेगा क्या आपकी इसकी जो नेट अमाउंट आई, तो इसको आप माइनस कर दो, माइनस कर सकते हो नेट स्टॉक, मैं नेट स्टॉक बोल देता हूँ ओपनिंग और क्लोजिंग को, नेट स्टॉक को हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं आपको कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ। अब देखो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,90,000 दे रखा है, और यहाँ पे भी फिगर माइनस है और ये भी माइनस 20,000 है, तो आप इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाता है, ये 2,10,000 हो गए, तो आप इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।